नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड पंचायत चुनाव से लेकर बड़ा अपडेट मैं अपने तमाम दर्शकों को देना चाहूंगा। आरक्षण रोस्टर जो है वो तैयार किया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि एक बार आप अगर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर कन्फर्म हो जाइए आरक्षित सीटों को लेकर। अलग अलग जिलों में इसकी तैयारियाँ की जा रही है, जिलावार जो है रोस्टर जो है पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है और अंतिम चरण में पूरी प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था, हालांकि सरकार का भी कहना है कि पर्व त्यौहार जो है इसके आड़े ना आए, इसको लेकर पंचायत चुनाव की तिथि सही तरीके से घोषित की जाएगी। अब दो तीन बड़े सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आज संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी गई है, ऐसे में सवाल यह भी उभर कर आ रहा है सामने कि क्या संक्रमण जो है पंचायत चुनाव को और लेट कर देगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। और ये सवाल इससे भी बड़ा उभर कर सामने आया है कि जो अपने अपने इलाकों में पंचायत के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, वो दरअसल सरकार जो है कब तक, आखिर कब तक उसके बाद के चुनावों की तैयारी करेगी, यानी कि नगर निकाय के चुनाव की। फिलहाल अब सारी, चूंकि दोस्तों पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट सरकार ने कहा था कि हर हाल में दिसंबर से पहले कराए जाएंगे। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा, नगर निकाय के चुनावों को लेकर, चूंकि बिना दल के, यानी कि दल जो प्राथमिकता होता था, दल के आधार पर चुनाव होते थे, उसमें चेंजिंग किया गया है। तो चेंजिंग करने के बाद दरअसल प्रक्रिया कुछ इस तरीके की होती है कि अब इसको मंजूरी लेना पड़ेगा राज्यपाल से, और मंजूरी मिलते ही इसकी भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी सारा फोकस जो है झारखंड की ग्रामीण जनता का झारखंड के पंचायत चुनाव पर है, और कहीं ना कहीं इसकी तिथियां जल्द ही घोषित हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये तिथियाँ घोषित होंगी छठ पूजा के बाद, कभी भी छठ पूजा के बाद घोषित हो सकती हैं। सरकार चाहती है कि पर्व त्यौहार बीच में ना आए। अब जो खबरें आई थी पिछले दिनों, जो मैंने आपको बताया था कि लगभग 5 से 6 चरणों में यहाँ पर पंचायत चुनाव हो सकते हैं, और एक चरण में अमूमन जो है 5 से 7 दिन लगेगा। ऐसे में ये अगर 5 चरणों में होता है तो 20 से 25 दिन की प्रक्रिया हो सकती है शुरू। इसको लेकर जो है नवंबर 15 तारीख एक डेट कही जा रही है कि 15 के बाद जो है पूरी तरीके से घोषणा इसकी हो जाएगी। तो यही अपडेट है दोस्तों आरक्षण को लेकर। आप अपने जिलावार रिपोर्ट जो है उसको देख लीजिएगा कि आप जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या वो सीट रिजर्व तो नहीं है, ये बड़ा सवाल होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।